गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आई नो लास्ट वीडियो में एंडिंग नहीं हो पाई थी क्योंकि हम फ्रेश फ्रेश होने के बाद खाना वाना खा के डायरेक्ट फ्लैट हो गए क्योंकि बहुत ज्यादा थक गए थे बाइक राइड के बाद, और इसलिए मैं अभी ये वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। तो वेलकम बैक टू द वीडियो अगेन, दिस इज डे 2 इन कुफरी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं कल सुबह उठ के आपको यहाँ का व्यू दिखाऊंगा मेरे होटल से जो बाहर का व्यू दिख रहा है, तो हैव अ लुक। हे गाइस गुड मॉर्निंग वंस अगेन, और नहा धो के फ्रेश होके हम लोग रेडी हो चुके हैं, अब निकलेंगे यहाँ से कुफरी एक्सप्लोर करने के लिए। कुफरी में वैसे एक दो चीज है तो देखते हैं कुफरी एक्सप्लोर करते हैं, और उसके बाद हम लोग डायरेक्ट चले जाएंगे शिमला। शिमला में एक्सप्लोर करना है मॉल रोड और एक टेम्पल है उसको एक्सप्लोर करेंगे। उससे पहले लग रही बहुत जोरों की भूख, तो सीन कुछ ऐसा है कि रात में हमारे कुछ खाने बच गए थे, तो यार वेस्ट ना करते उसी खाने को खाते यहाँ से निकलते हैं। बट यार सीन कुछ ऐसा आ गया कि यार खाना हो गया ठंडे, 5-10 मिनट के अंतराल में ही ठंडे हो जाते खाना। तो अब ये है कि सीन की खाना गर्म कैसे करें, तो उसमें के लिए मैंने एक दिमाग लगाया है, चलिए आपको दिखाता हूँ। ये हमें जो रूम हीटर प्रोवाइड किया था तो रात में इसकी यूज हुई, और अभी खाना गर्म करने के लिए मैं रूम हीटर का यूज करने जा रहा था। इसको ऑन करते हैं। हीटर ऑन हो चुकी है, ये आप देख सकते हो, ये रात के बचे हुए पराठे, ये पनीर की सब्जी रह गई थी, इसको फटाफट से यहाँ पे मैं गर्म करता हूँ और इसी को खाया जाएगा। जब गर्म करने से और अच्छा टेस्ट आया, ये मैंने रात में ही ढूंढ लिया था कि ऐसे गर्म कर सकते हैं, रोटी आपकी और क्रिस्पी हो जा रही है, सब्जी भी गर्म हो जा रही है। तो ये देखिए हीटर ऑन हो चुका है, इसको पकड़ना है आपने, ऐसे रखना है और बस हार्डली आपको 1 से 1.5 मिनट लगेगा और आपका खाना वापस से गर्म और फ्रेश। जी देखिए जी, मेरे पराठे गर्म हो चुके हैं ऑलमोस्ट, थोड़ा और सेक लेते हैं। हाँ थोड़ा दूर से ही करें, अपना हाथ ना जला ले इसमें तो बेटर है, बाकी पता चला आप गरम करें पराठे, गरम हो गए आपके हार्ट, पराठे गरम हो गए हैं, पनीर की सब्जी वैसे ही आप गरम कर ले। हार्डली 2 मिनट लगना आपको गरम करने में। तो ये लीजिए जी, पनीर भी हमारी गरम हो गई है। इसे सिर्फ ठंडी जगह पर ट्राई करें, अपने घरों पर बैंगलोर पे, दिल्ली में, मुंबई में, ये सब जगह तो ना ही ट्राई करें, क्योंकि पराठे का तो पता नहीं आपके हाथ भी जरूर गर्म हो जाएंगे। चलिए फटाफट से खाते हैं इसको और निकलते हैं फिर बाहर घूमने के लिए। तो भैया रेडी हो गए हम लोग निकलने के लिए, ये रही हमारी बाइक, और चलिए देखते हैं क्या हिसाब है इसका, स्टार्ट होती है कि नहीं। यहाँ क्लच और सेल्फ मारते हैं और क्या। ओ भाई साहब सिंगल स्टार्ट। तो ये रही कुछ हमारी बाइक, सिंगल स्टार्ट में, सिंगल सेल्फ में स्टार्ट हो चुकी है। थोड़ी देर इसको गर्म करेंगे, इंजन हीट हो जाएगा और फिर ये निकलेंगे। और ये कुछ इस तरह है हमारे होटल से व्यू, देख ही सकते हो आप, ओहो बहुत ही खूबसूरत ये हमारा होटल। चलिए जी फटाफट निकलते हैं, बाइक हमारी हीटअप हो गई है, मिलते हैं आपको रोड पे। हाँ तो भैया निकल चुके हैं हम लोग अभी अपने होटल से। प्लान कुछ इस तरह है कि जा रहे हैं अभी पहले तो शिमला मॉल रोड, और कुछ इस तरह की सड़कें हैं यहाँ पे नीचे उतरने के लिए, तो बस एक नंबर गियर में गाड़ी को डाल दे और लुढ़काते रहे गाड़ी को नीचे। तो मिलता आपको डायरेक्ट शिमला में जाके, अगर कुछ इंटरेस्टिंग दिखता है मेरे को ऑन द वे तो मैं आप लोग को दिखाऊँगा, नहीं तो फिर डायरेक्टली आई सी यू गाइस इन मॉल रोड। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं जाकू टेम्पल, हमने बाइक नीचे ही खड़ी कर दी है, और यहाँ से ऑलमोस्ट 800 मीटर ऊपर एकदम स्लोप में वॉक करके जा रहे हैं। हालत ख़राब है, आपको मैं स्लोप दिखाता हूँ एक बार, ये है स्लोप, और अभी पूरी पहाड़ ऐसी चढ़नी है। दुख की बात यह है कि हमने पानी नहीं रखा है और ऐसे ही चढ़े जा रहे हैं, रास्ते में बंदर भी बहुत दिखने वाले हैं, तो देखते यहाँ से उसका व्यू देख रहे हो आप। वीडियो में आपको चढ़ाई की उतनी अच्छी नॉलेज नहीं हो रही है, लेकिन चढ़ाई काफ़ी है। ये जाकू टेंपल शिमला का सबसे ऊंचा पीक पे है, बना हुआ है, जो कि ऑलमोस्ट लाइक 2.5 किलोमीटर है। यहाँ पे
ये मंदिर जो है हनुमान जी की मंदिर है। हर दशहरा से पहले यहाँ पे बहुत अच्छी ग्रैंड पूजा होती है। इसे कहा भी जाता है कि ये वर्ल्ड का वन ऑफ द टॉलेस्ट हनुमान जी के स्टैचू है, जो कि ये हिल स्टेशन के पीक पे सिचुएटेड है। तो चलिए ऊपर चलते हैं और दिखाते हैं क्या व्यू है वहाँ से और किस तरह का मंदिर है ऊपर में। यह है एंट्रेंस जाकू टेम्पल का। यहाँ से आपको और सीढ़ियों की मदद से आप वॉक कर सकते हो आराम से, या फिर यहाँ पे अलग से वे है, यहाँ पे भी आप वॉक कर सकते हो। तो ऊपर चलते हैं। जय बजरंगबली। यहाँ की एक बहुत खूबसूरत बात है कि आप जैसे ऊपर चढ़ते जाओगे, ये ऊपर पूरा हनुमान चालीसा लिखा हुआ है और आप हनुमान चालीसा को पढ़ते हुए ऊपर जा सकते हैं लास्ट तक। ये देखो पूरा हनुमान चालीसा आपके सामने है। फाइनली ऊपर चढ़ने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं और आप पीछे देख ही सकते हैं कितना विशाल और कितना बड़ा हनुमान जी का मूर्ति है और हनुमान जी खड़े हुए हैं। और अगर मैं आपको अपने तरफ से दिखाऊं तो ये देखिए, ये देख रहे हो, ये मूर्ति ऑलमोस्ट 108 यानी 108 फीट ऊंची है। सो बहुत खूबसूरत, बहुत ही सुंदर बनाया गया है इसे और काफ़ी विशाल तो है ही, जैसे हनुमान जी ऐसे भी थे। गाइज़ आपको अगर जाकू मंदिर के बारे में और जानना है तो आप ये आराम से स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। देखिए आपने पिछले शॉट में देखा होगा कि जाकू टेंपल की स्थापना कैसे हुई, और कहा जाता है कि हनुमान जी जब लक्ष्मण जी के लिए जड़ी बूटी लेने हिमालय जा रहे थे तो उन्होंने एक ऋषि मुनि को देखा इस पर्वत पे, और वो नीचे की ओर उतर गए, और जैसे ही वो नीचे उतरते तो ऑलमोस्ट आधा पर्वत धरती के नीचे समा जाता है उनके वेट। और कहा जाता है कि यहाँ पे जैसे वो जड़ी बूटी का पता करने के लिए नीचे उतरे थे तो उनके पैरों के निशान इतने विशाल थे और इतने हेवी थे कि उन पैरों के निशान को अभी तक यहाँ पे स्टोर करके रखा गया है। तो चलिए मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो गाइस यही है वो हनुमान जी के पैरों के निशान जो इसके नीचे है, और इसके ऊपर पूरा टाइल्स का काम करके, मार्बल का काम करके इन्हें सेफ एंड सिक्योर किया गया है। ऊपर हनुमान टेम्पल से अब नीचे उतर के हम आ चुके हैं शिमला का ऑल टाइम फेमस माल रोड, और हिल स्टेशन में आगे सारे शॉ जो मार्केट रहते हैं उसको मॉल रोड बोलते हैं। अगर किसी को पता है कि क्यों बोलते हैं तो नीचे कमेंट करके बताएं। जैसा आपको मैंने कसौली में दिखाया था वही टाइप की मार्केट है। तो आपको एक बार फ्रंट व्यू दे देता हूं मैं मॉल रोड का। तो वही सारी दुकानें आपको मिलेगी, छोटी छोटी वही सारी चीज़ें आप देख ही सकते हो, वही शॉपिंग का वही हिसाब है यहाँ पे। हाँ ये देख लो आप। तो हम है कहाँ, लक्कड़ बजाना भी आए तो जी। ये तो भैया बना रहे हैं यहाँ पे टिक्की बर्गर, बड़ा टेस्टी लग रहा है। भैया कब से बना रहे हैं? अरे भाई साहब 22 साल बना रहे हैं। उस समय तो चल रहा टिक्की बर्गर। हाँ तो इसमें क्या क्या डालते हैं? पड़ता है सर, धनिया पड़ता, मिर्च पड़ता, गोभी पड़ता, टमाटर पड़ता, प्याज पड़ता, गाजर पड़ती, उसके बाद 3600 मसाला पड़ते, उसके बाद टिक्किया पड़ती। कितना मसाला? 3600 मसाला। 3600 मसाला, अरे वाह जी। उसके बाद पड़ता है 12 मजे 13 स्वाद। हाँ 12 मजे और 13 स्वाद, ऐसा कहा है। जब 36 मसाला पड़ जाएगा तो 12 मजे 13 स्वाद अपने आप बन जाएगा। चलिए फटाफट हम लोग को भी टेस्ट कराइए, ठीक है ना? देखो अमूल बटर, अमूल चीज से भरपूर एकदम, सिंगल चीज डबल चीज सबका ऑप्शन है। चलिए तो जितना खाओगे उतना मोटा हो जाओगे, है ना? जितना चीज जलवाई उतना मोटापा बढ़ाइए। उसके बाद अगर गलती हो घर वालों को बोलते मिस्त्री लगा दरवाजा बड़ा करवा दे। चलिए फटाफट टेस्ट कराइए, बन गया है ऑलमोस्ट। तो ये भैया आ गई है हमारी गर्मा गर्म टिक्की बर्गर जो कि बहुत फेमस है यहाँ के। चलिए इसको फटाफट टेस्ट करते हैं और बताते हैं क्या स्वाद।
बहुत अच्छा। शिमले दिराए चंबा कितने कदूर, माए ने मेरे शिमले दिराए चंबा कितने कदूर, शिमले निवसना कसौली नुवसना चंबे जाना जरूर। तो ये माल रोड की सड़कों पे शोरूम है, बहुत सारे बेकरीज है, बहुत सारे ऑथेंटिक हिमाचल के सामान मिल रहे हैं। यही माल रोड और यही माल रोड की कहानी। तो गाइस यही है माल रोड, ये देख लीजिए। यहाँ पे बेसिकली शोरूम वाली मार्केटिंग कर सकते हैं आप, लोकल मार्केटिंग भी है साथ साथ, आप देख सकते हैं शोरूम वगैरह भी है। भाई पहाड़ों पे आए, शिमला आए, मोमोज नहीं खाए तो क्या खाए। ये है मोमो और चाय, पहाड़ों के मोमोज के टेस्ट ही कुछ और है। जो टेस्ट है वो जो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके थे तब मैं कोई आधे वीडियो बना रहा हूँ। ये देखिए मोमोज चटनी और मेयोनीज और अभी मैं आपको एक ऐसा सीन दिखाने वाला हूँ कि आप भी देख के चौंक जाएंगे और बहुत ही औसम सा सीन है। हम अभी ऊपर की ओर जा रहे थे और देखिए हमें क्या यहाँ से व्यू मिला। आपको दिख रहा है स्टेट में ऑरेंज कुछ? यस, ये वही हनुमान जी है जिसकी वीडियो आप थोड़ी देर पहले देख चुके हो, जहाँ हम सुबह घूम रहे थे। ओ भाई साहब क्या व्यू है यहाँ से, आई कांट टेल यू, कैमरा तो जस्टिस नहीं करेगा। बाकी आप देख सकते हो ये शिमला के हाईएस्ट पीक पे, कि ये पीक से भी ऊपर नजर आ रहे हैं। ओहो, सो फाइनली वी आर बैक टू आवर होटल। मॉल रोड से वापस होटल आने में ऑलमोस्ट लग गया हमें करीबन करीबन 20 मिनट, 20 मिनट से एक्चुअली ज़्यादा लग गया, ऑलमोस्ट लाइक 30 मिनट्स के आसपास लगे, क्योंकि 15 किलोमीटर का डिस्टेंस फिर कवर करना पड़ता है। मॉल रोड से अगर वापस आप कुफरी की ओर आ रहे हो तो आपको जनरली रास्ते ओके ओके मिलेंगे। कई जगह में लाइट लगे हुए पूरे पहाड़ों में, कई जगह में पहाड़ों में एकदम लाइट नहीं है, तो कई जगह आप डर भी लगेगा आपको, कई जगह एडवेंचरस भी रहेगा। कई जगह में लाइट लगा हुआ तो आप आराम से गाड़ी चला सकते हो, बस 20-30 ऊपर तो आप चला ही नहीं सकते हो। रात को टेम्परेचर गिर जाता है बहुत जल्दी से, तो एडवाइजेबल है कि आप आराम से थोड़े जल्दी भी आ सकते हो। बाकी अगर आपने कपड़े अच्छे पहने तो आप आराम से 7 या 8 बजे तक या 9 बजे तक भी आ सकते हैं, लेकिन चीज़ें उस समय तक बंद हो जाती है, तो एडवाइजेबल है कि आप जल्दी आ जाए। तो ये था आज का व्लॉग। तो आई होप आपको माल रोड का जो व्लॉग है वो पसंद आया होगा और शिमला का आपको व्लॉग पसंद आया होगा। तो कल सुबह 5 बजे के आसपास, 4 से 5 बजे के बीच में हम लोग वापस दिल्ली के लिए निकलने वाले हैं। इट्स गोना बी अ वेरी लॉन्ग एंड हेक्टिक जर्नी, बस मज़ा भी आने वाला है। और आई गेस 370 किलोमीटर अभी के हिसाब से हम लोग को शो कर रहा है, एंड इट्स गोना टेक 8 आवर्स अकॉर्डिंग टू गूगल मैप, बट हम नहीं भी तो 10 घंटे हाथ में लेके चल रहे हैं। कल के ब्लॉग में ही मज़ा आने वाला है, वापस दिल्ली तक का आपको सफ़र दिखाऊंगा। तो अगर आपको ये व्लॉग और ये सीरीज अगर पसंद आई हो तो नीचे लाइक का बटन है, लाइक करके जाएं और नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको व्लॉग मेरा कैसा लगा ट्रैवलिंग, और आप आगे फ्यूचर वीडियो में कितना देखना चाहते हो। और साथ ही साथ नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब भी कर दे और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा दे, ताकि मैं वीडियो डालूं तो आपको फटाफट से नोटिफिकेशन मिल जाए। और तब तक के लिए इट्स गुड बाय फ्रॉम मी, टेक केयर एंड ऑब्वियसली डोंट फॉरगेट टू स्माइल। हाँ, एक और बात बीच में मैं चाहता था कि आपको बताना चाहूँ, लेकिन मैं उसको मेन वीडियो में नहीं डालना चाहता था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अभी तक, अगर आप अभी तक देख रहे हो तो मैं आपको एक चीज़ और शेयर करना चाहता हूँ कि कुफरी से शिमला जाने के टाइम में गाड़ी की थोड़ी कंडीशन ख़राब हो गई थी, अचानक से पीछे वाली जो ब्रेक है वो लगना बंद हो गई थी, आई गेस ब्रेक थोड़ी सी फेल हो गई थी घाट में ही। और मैंने एनीवेज गाड़ी बहुत स्लो थी तो मैंने कंट्रोल कर लिया था फ्रंट वाले ब्रेक से और गियर से। एडवाइजेबल है कि आप गाड़ी स्लो चलाएं, क्योंकि इस तरह की चीज़ें आपके साथ भी हो सकती है। मैंने रॉयल एनफील्ड की टीम के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश की, उन्होंने यही सजेस्ट किया कि सर अगर आप बहुत ज़्यादा ब्रेक पे आप पाँव रख के अगर आप गाड़ी चला रहे हो कंटिन्यूस, अगर ब्रेक लगी हुई हिली रीजन में या फिर बहुत ज़्यादा देर तक आप ब्रेक को प्रेस किए हुए, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो एडवाइजेबल है कि ऐसी प्रॉब्लम जब भी आए, पहली बात तो आप ब्रेक पे ज़्यादा पाँव रख के ना ड्राइव करें, और अगर ये कंडीशन आ भी जाती है तो आप गियर से
कंट्रोल कर ले गाड़ी को, और फ्रंट वाले से कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत जल्दी नहीं आराम से कंट्रोल हो जाएगी गाड़ी आपकी। और एडवाइजेबल है जैसे ही गाड़ी स्लो होती है आप आराम से गाड़ी को 5 से 10 मिनट छोड़ दे, गाड़ी वापस आपके ब्रेक लगना चालू हो जाएगी। ये कहा जाता है कि ब्रेक में जो फ्रिक्शन है वो छूटने लगती है अगर आप कंटिन्यूस ब्रेक आप दबाए रहते हो। तो ये छोटी सी सजेशन थी है, टेक इट विथ योर सेल्फ जब भी आप बाइक लेके ऐसे हिली रीजन पे जा रहे हो। एंड विश यू अ ग्रेट जर्नी अगर आप ट्रैवल कर रहे हो ये वीडियो देखने के बाद, और या फिर आप ट्रैवल ऑलरेडी कर रहे हो। बाय। रे कबीरा मान जा, रे फकीरा यू ना जा, आजा तुझको पुकारे तेरी परछाइयां। रे कबीरा।